तो तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह नीतीश कुमार पर फिर एक बार हमला बोला है और उनका जो महागठबंधन तोड़े जाने का दर्द है वो छलक कर सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन तोड़ने को लेकर ही नीतीश कुमार पर आज सुबह सुबह हमला बोला है। वैसे तो तेजस्वी यादव लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण बाढ़ की आपदा को लेकर नीतीश सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं, लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने नीतीश कुमार पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है और लिखा है, आदरणीय नीतीश जी द्वारा किए गए जनादेश चिरहरण की चौथी वर्षगांठ है। आशा है उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए जनादेश का अपमान कर 12 करोड़ बिहारियों के साथ छल और विश्वासघात किया था उसकी लक्ष्य प्राप्ति हो गई होगी। 130 दिन बाद घर से बाहर निकल आज इस वर्षगांठ का जश्न तो मनाइए। तो तेजस्वी यादव का ये ट्वीट है, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जनादेश चिरहरण की चौथी वर्षगांठ है। आशा है जिस उद्देश्य के लिए नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान कर 12 करोड़ बिहारियों के साथ छल और विश्वासघात किया था उसकी लक्ष्य प्राप्ति हो गई होगी। 130 दिन बाद घर से बाहर निकलिए आज इस वर्षगांठ पर जश्न तो मनाइए। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है और इसका जवाब दिया है जेडीयू के नेता बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने। उन्होंने कहा कि नवी फेल कमजोर छात्र हैं तेजस्वी यादव, महागठबंधन टूटने की तारीख भी उन्हें ठीक से याद नहीं है और उन्होंने ट्वीट के जरिए ही तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। और नीरज कुमार ने जो ट्वीट किया है उस पर गौर फरमाइए, बहुत दिलचस्प भाषा में उन्होंने ट्वीट किया है। नीरज ने कहा है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन टूटने की तारीख भी ठीक से याद नहीं है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन टूटने की तारीख भी ठीक से याद नहीं है और तेजस्वी यादव नौवीं फेल कमजोर छात्र हैं, उन्हें इतना भी नहीं याद है कि आज की महागठबंधन 26 जुलाई को 2017 को टूटा था, न कि 27 जुलाई 2017 को। तो एक दिन बाद वो ट्वीट कर रहे हैं। तो नीरज कुमार ने फिर से एक बार तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कमजोर छात्र करार दे दिया है और कहा है कि उनको किस दिन महागठबंधन टूटा था ये भी ठीक से याद नहीं रहता। मंत्री नीरज कुमार ने नेता तेजस्वी यादव को मेधावटी खिलाने की सलाह दी है और कहा है कि भ्रष्टाचार समझौता न करने के कारण ही गठबंधन तोड़ने का फैसला नीतीश कुमार ने लिया था। महागठबंधन में 2015 के अंदर जनता दल यूनाइटेड को जितने वोट मिले उससे कहीं ज़्यादा वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले। तो ये गलतफहमी को दूर कर लीजिए कि आपकी वजह से नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। विधानसभा से लोकसभा चुनाव के बीच जेडीयू ने 39% अधिक वोट पाए और यह सब कुछ भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने का ही नतीजा है। तो नीरज कुमार ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, महागठबंधन तोड़ा और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में उनको अप्रत्याशित सफलता मिली, जनता का भरपूर सहयोग मिला, 39% वोट शेयर मिले उनको। आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और उसी ट्वीट का जवाब नीरज कुमार ने दिया है। एक बार फिर से आप खबर के आखिरी में तेजस्वी यादव के ट्वीट पर भी गौर फरमा लीजिए, आज आदरणीय नीतीश जी द्वारा किए गए जनादेश चिरहरण की चौथी वर्षगांठ है। आशा है उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए जनादेश का अपमान कर 12 करोड़ बिहारियों के साथ छल और विश्वासघात किया था उसकी लक्ष्य प्राप्ति हो गई होगी। 130 दिन बाद घर से बाहर निकलिए आज इस वर्षगांठ पर जश्न तो मनाइए। ये है भाषा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है और कैसे कैसे आरोप नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं और कैसे कैसे जवाब मिल रहे हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट, वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।